दीर्घ गोटे मास हेला आंदोलन थिले पैक्स कर्मचारी माने जहाँकु नहीं जिले में धान विक्रय करिबारे बहु असुविधार सम्मुखीन होते चाषी वर्तमान पैक्स कर्मचारी माने कार्य जोगदेवा परे धान विक्रय पर स्वाभाविक होती ते वर्तमान आम अच्छे बौद्ध जिलार सेवा समवाय समितर किसी कर्मचारी मान सहित अच्छा कौन कौन दाबी थी सीधा सड़क भाव में आम आलोचना करवा कौन कह आज्ञा आप जो आंदोलन को गले आंदोलन भितर आप प्रमुख दावी प्रमुख दावी थी सीओ जो पदवी गोटे सृष्टि करते आम सार मैंने सेटा को रद्द करवा द्वितीय दावी थी आम सप्तम वेतन हार में दरमा पाइबु से जो एचआर पॉलिस लागू होता सही पाइबु डीए पाइबु आमर यह सब गुड़ाक धारणा थी दाबी गुड़ाक किंतु सरकार तरफ़ आमको निर्भर प्रतिश्रुति मिली आगामी फेब्रुआरी 15 तारीख सुधा से दाबी पूरण करेंगे जदि न करती फेब्रुआरी 15 पर महासंघर निष्पत्ति क्रमे आम पुणी कौन कर चिंता कर निश्चित भाव में फेब्रुआरी 15 पर्यंत अपेक्षा रही 15 तारीख पर पुणी से जदि दाबी पूरण न हो आंदोलन को उल्ले कौन कह आज जिले में कतेज सेवा समय समिति कर्मचारी मैंने आंदोलन कर बयालीसटा पैक्स रु राज्य स्तरीय संघ तरफ विधानसभा आगे आम गणधारणा देखु से समिति समस्त कर्मचारी से जोदान भी आंदोलन करूँ सरकार तो कौन कर्मकर्ता अर्मकर्ता कले ना से आम राज्य संघर कर्मकर्ता मैंने फेब्रुआरी 15 पर्यंत समय देखते से आम जो दाबी पूरण न करते सरकार तेल पुणी समवाय कर्मचारी पुणी समस्त कार्य को अवहेला देखो आसंता 15 तारीख भितर जो दाबी पूरण न होती निश्चित भाव से पुणी आंदोलन को लेवे वर्तमान खरीफ ऋतु चलती है खरीफ ऋतु में जो भाव में धान विक्रय करने चाषी मैंने बहु असुविधार सम्मुखीन होती जदि कह गत वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष धान किणारे अव्यवस्था देखाई जहाँ को चाषी कूल हताश होती अंपटे आगक आसूँ रवि ऋतु वर्तमान खरीफ ऋतु रे धान विक्रय करने चाषी मैंने ठीक भाव में बिक्री पार ना बेले आगक आसूँ खरीफ ऋतु जदि एम आंदोलन को गले पुणी बहुत असुविधार सम्मुखीन होते चाषी आम सहित जो चाषी अच्छा आज्ञा कौन कहे जेहेतु चलित बर्ष जिले में जी कह जे आपण मैंने धान विक्रय करने बहु आशा रखी थे धीरे धीरे धान विक्रय करने पैक्स कर्मचारी मैंने कार्य जो आपण मैंने किसी असुविधार सम्मुखीन चलित बर्ष राज्य सरकार सेवा समवाय समिति को ठीक भाव चल पार नेतु वर्तमान धान विक्रय बहुत अव्यवस्था देखाई जद्वारा चाषीगुल हतसत हराण होगा पड़ता देखा मिली वर्तमान चलित बर्ष खरीफ ऋतु में बहुत कम धान प्राय 1900 क्विंटल किणाई आम जानवाक पाई किंतु विगत वर्ष यही ऋतु तार प्राय 8 गुण अधिक धान क्रय कर यही अव्यवस्था जो पैक्स कर्मचारी सेवा समवाय समितर संपादक एवं कर्मचारी मैंने विभिन्न दाबी को नहीं जो आंदोलन करते विलंबरे कार्य जोगदे जो तद्वारा तो धान विक्रय एवं क्रय बहुत अव्यवस्था देखाई वर्तमान मंडी में हजार हजार क्विंटल धान पड़ रही वर्तमान पाग पापाग ठीक ना के अदिनिया वर्षा हो तार सुव्यवस्था ठीक ना राज्य सरकार एवं प्रशासन एवं मिलर्स मान मधुचंद्रिकार वर्तमान धान क्रय चलता आम अनुभव करुचु अव्यवस्था जी आगामी रवि ऋतु कर्मचारी मैंने पुणी बार पुनर्वार जी आंदोलन करती ताहले आम चाषी मैंने आंदोलन करने को बाध्य हो सरकार विरुद्ध कहीं समवाय समिति से ठीक से चलातु एवं से ठीक हिसाब से काम जॉइन कर चाषी मानक साहय कर निश्चित भाव में देखो जदि ठीक हिसाब से दाबी पूरण न होने आंदोलन को ओल्ल बोल के जहाँ शुणा को मिलूँ जदि से भाई हुए तो रवि ऋतु में धान क्रय बहु असुविधार सम्मुखीन होते चाषी और चाषी मानी सरकार सबुले आगक आसवाई प्रतिश्रुति दे अंपटे चाषी मान बहु अवहेला कर नजर रही आम सहित पैक्स कर्मचारी जन अच्छा कह कहे आज्ञा आपण दाबी जहाँ रही फेब्रुआरी 15 तक पूरण करेंगे बोल आशा रखिंट सरकार को उपरे तो आम पूर्ण विश्वास अच्छे कि आम 2708 समवाय कर्मचारी मानक दाबी आम पांच दबा दाबी पूरण वर्तमान समय आमे आमर कार्य को पुणी सुचारू रूपे परिचालना करूँ धान किणा चली किंतु जो अदिनिया वर्षा पवन रे चाषी मैंने आणिकी धान मंडी में आम बहुत परिमाण रे पकोछंती किंतु माने दुर्भाग्यर विषय
যে গাড়ি ঠিকভাবে আমার মন্ডিকে আসুনি, যাফলে কি আমি অসুবিধার শিকার হচ্ছু। চাষী মানে আমাকে বহু হইরাণ হরসত করছেন, কিন্তু যদি প্রশাসন এয়া উপরে নজর দিওন্তা, ঠিকভাবে মন্ডিকে গাড়ি আসন্তা, তাহলে ধানটা ঠিকভাবে লিফটিং হয়ে পারন্তা। আমি তো আমার সমস্ত কার্য সুপরিচালনা হিসাবে করছু। বর্তমান আমি দেড় বর্ষ হল সমবায় কর্মচারী মানে কোভিড 19 টাইমে মধ্যে আমি ফার্টিলাইজার ডিস্ট্রিবিউশন রবি খরিফ ঋণ তা প্লসরে পেড়ি প্রক্রুটমেন্ট আমি সবুথিরে সাহায্য করছু, অনবরত ভাবে কাম করছু। কিন্তু বর্তমান আমার বৌদ্ধ ডিস্ট্রিক্টর জনে ডিও ভাই মধ্যে সে কোভিড 19 টাইমে সে দেহত্যাগ কলে, কিন্তু সরকার এ উপরে কিছু নজর কলে না, কিছু তাঁর পরিবার উপরে কিছু আর্থিক সাহায্য মধ্যে দেলে না। কিন্তু আমি আমার দরমা খুবই সে কোনসি ভাবে কনসিডর করু না কি কো বেতনরে আমি নেব। আমার পঞ্চদবা দাবি ভিতরে গোটে দাবি থিলা কি আমি উপস্থাপনা করছিলু কি রাজ্য সরকার গোটে বজেট উপস্থাপনা করন্তু, আমার মহঙ্গা ভাতা আমার দরমা উপরে সে বজেটটা হোক কি সমস্ত কর্মচারী মানে আমি সেতু লাভ পাই পারিবু, সুযোগ পাই পারিবু, কিন্তু তাহা মধ্যে এপর্যন্ত হেলা নাই। যদি আমার দাবি পূরণ না হয় তাহলে মহাসংঘর প্রতিশ্রুতি অনুসারে পুনি আমি আমার নেক্সট ডেট আমি দাবি ধারণাকে ওহ্লাইবু। নিশ্চিত ভাবে মহাসংঘর কথা অনুযায়ী যদি সমস্ত দাবি পূরণ না হচ্ছে, তাহলে আগামী ফেব্রুয়ারি 15 সুদ্ধা তাহলে সে পুনে রাজরাস্তাকে ওহ্লাইবে গোটে পটে। অন্যপটে যদি কহবা রবি ঋতুরে যে চাষী মানে অনেক খরিফ ঋতুর সমস্যা দূর নহিতবা বলে রবি ঋতু পাই নিশ্চিত ভাবে চিন্তা বড়ে বলে যা জনা পড়ছে। বৌদ্ধ সীতাকান্ত সিং।